Uh, I think we are live, so whenever you guys can see me or hear my voice, please let me know. I'm live. Okay, so I can see the likes, so that means we are live. सो so, रहीम हमारी आज की जो सेशन है या वेबिनार है उसका मकसद आप लोगों के साथ एक ऐसी स्किल को डिस्कस करना था अबाउट लिस्टिंग एनालिसिस एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में आ, लेकिन हम लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है कि वी आर जस्ट डूइंग प्रोडक्ट हंटिंग और जिसको देखेंगे कोई ना कोई आ, कोई स्टैट अपलोड कर रहा है सर ई पैस देखें ये करे वो करें प्रॉब्लम ये है हमें काम क्यों नहीं मिल रहा बिकॉज वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड प्रोडक्ट हंटिंग जबकि डिमांड जो ज्यादा है वो पीपीसी की है जो कि एक ग्रेट स्किल टू मार्किट

और एज पर प्रमिस टूडे स्टार्ट अप्रॉम द लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन लिस्टिंग होती क्या है लिस्टिंग का एनालिसिस कैसे किया जाता है उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है वो हम लाइव देखेंगे सो लेट मी शेयर माई स्लाइड विद यू वेन यू गर्स कैन सी माई स्क्रीन प्लीज लेट मी नो

ओके ग्रेट ठीक है सो द टॉपिक वाज टूडेज क्लास इज अबाउट लिस्टिंग एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन उससे पहले देख लेते हैं कि लिस्टिंग होती क्या है सो व्हाट इज लिस्टिंग एमेजॉन लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट पेज ऑफ ईच आइटम वी सेल ऑन एमेजोन एमेजोन पे जब भी हम कोई चीज सेल करते हैं तो उसके लिए हम एक पेज क्रिएट करते हैं एज अगर मैं आप लोगों को शो करूं यहां पे एक पेज है ठीक है इसको लिस्टिंग कहा जाता है इट इज मेड ऑफ बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट लाइक टाइटल फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट की प्राइस आपका फुलफिलमेंट मेथड आपके इमेजेस एंड रिव्यूज सो बेसिकली कहाँ पे शो होते हैं मेरे सामने एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज है इसमें जो आप टाइटल देते हो अपनी प्रोडक्ट का वो यहाँ पे शो होता है टॉप पे आपको जो कस्टमर रिव्यूज देता है वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं है, हो है। लिखा हुआ शोइंग जेनेरिक आप जो इमेजे ऐड करते हो वो यहाँ पे ऐड शो हो रहे होते हैं जो आप अपना फुलफिल चूज करते हो कि मैं एफ बी ए कर रहा हूँ या एफ बी एम कर रहा हूँ वो यहां पे शो होते हैं इसके अलावा आपके जो फीचर्स होते हैं जिसको बुलेट पॉइंट्स भी कहते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं इस बंदे ने अपने बुलेट पॉइंट्स ऐड नहीं किए हुए जिसमें अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जाते हैं एंड देन डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन कि आपके प्रोडक्ट का कोई हाउ टू यूज़ है या क्यों यूज़ की जाती है इस प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं है, है, या कस्टमर को पैकेजिंग में क्या मिलेगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देते हो बेसिकली या पेज जिससे आप कस्टमर को बताते हो कि आप ये चीज सेल कर रहे हो स्क्रीन इज नॉट विजिबल ओके वेट एम मेट लेट मी चेक के कि इट इज नॉट शो Let me check. अभी बताइएगा मैंने शेयर किया है ओके ओके ग्रेट स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर सलमा शाह नो नॉट येट नो स्क्रीन कोई कह रहे हैं हो रहा है कोई कह रहे हैं नहीं हो रहा ऐसा होना तो नहीं चाहिए ओके वेट मिनट सिर्फ शो ही तो मुझे बताइएगा तो मैं विजिबल ये मैं ही हूं ना ये देखें एक मिनट है आइएगा जी कैम ऑफ करने दें ओके वेट मी लेट मी चेक व्हाट्स द प्रॉब्लम बेसिकली Wait a minute. एक मिनट जस्ट वेट करिए यहाँ पे तो हुई हुई है अब मुझे देखने दें ये आ की नीचे हो रही

इमेजेस देते हैं अपनी प्रोडक्ट का टाइटल बताते हैं अपनी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन फुलफिलमेंट मेथड कि मैं एफबीएम कर रहा हूँ या एफ कर रहा हूँ इमेजेस एंड रिव्यूज वगैरह ये सब एक प्रोडक्ट का पेज जो बनाया जाता है उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है तो अगर मैं आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्टिंग दिखाऊं तो आप सामने मैंने एक लिस्टिंग ओपन की है इस लिस्टिंग में यू कैन सी के दिस इज द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट जो आप टाइटल ऐड करते हो क्रिएट करके वो यहाँ टॉप पे शो हो रहा होता है देन उसके बाद जो प्राइस होती है आपकी प्रोडक्ट की वो यहाँ पे शो हो रही होती है ठीक है और देन फुलफिलमेंट मेथड वो राइट साइड पे यहाँ पे शो हो रहा होता है उसके बाद जो आपके रिव्यूज कस्टमर आपको फीडबैक्स देता है वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं रेटिंग्स की सूरत में एंड देन जो इमेजेस हैं वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं और जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे अब मकसद क्या होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करने का द लिस्टिंग इज बेसिकली कि आप चीज बेच रहे हो कस्टमर आपके पेज पे आता है वो आपके है, वो आपके आपके इमेजेस देखता है फीचर्स पढ़ता है प्रोडक्ट के प्राइस देखता है टाइटल पढ़ता है रिव्यूज देखता है कि कस्टमर क्या रिव्यू दे रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में और ये बंदा एफ बी ए का रहा है प्राइम कर रहा है या एफ बी एम का रहा है और उसकी बेस पे वो आपको रिव्यू दे आपको परचेज करता है आपको यह छोड़ के चला जाता है तो जो लिस्टिंग और मार्केटिंग होते हैं ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है रीजन इज दैट आपने एक लिस्टिंग क्रिएट कर ली अपने एक प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन तो बना दी लेकिन अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सके लाइक पीपीसी नहीं कर सके तो कस्टमर को तो पता ही नहीं चलना कि आप ये चीज बेच रहे हो ठीक है तो जब आप एक चीज कस्टमर को पता ही नहीं आप कोई चीज भेज रहे तो कस्टमर आपसे क्यों लेगा जब वो आएगा नहीं उसे पता ही नहीं कि ये बंदा अभी एग्जिस्ट करता है जो कि बेबी बेच रहा है तो वो कैसे आपसे लेगा सेकंड आ जाती है लिस्टिंग लिस्टिंग में क्या होता है बंदा आपके पास आ गया ठीक है बंदा आपके पास आ गया लेकिन आपके टाइटल नहीं अच्छा आपके बुलेट्स नहीं अच्छे आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं अच्छी आपने मार्केटिंग के जरिए शोर तो मचाया हुआ था सेल 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 बाजी ये ले लो बाजी एट्टी परसेंट ऑफ बाजी नाइनटी परसेंट ऑफ लेकिन बंदा जब आपके पेज पे आया तो वो किसी काम के नहीं थे या तो आपकी प्राइस बहुत ज्यादा थी या आपको कस्टमर ने, ने नेगेटिव रिव्यूज दिए हुए थे या आपके इमेजेस ही अच्छे नहीं थे ना आप प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे हो तो कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा सो दैट्स वाई लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज अ मस्ट थिंग इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल ऑन एमेजॉन सो आइडियली लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए अमेजोन के ऊपर आइडियली तो एमेजोन का एक वर्ड है जिसको रिटेल रेडी कहा जाता है रिटेल रेडी क्या होता है अमेजोन कहता है रिटेल रेडीनेस का मतलब है कि आपकी पेज के ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन या वो सारी लवाजमात मौजूद हों जो कस्टमर को चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बाय ऑर्डर कि कस्टमर क्या देखता है आके वो सबसे पहले आके इमेजेस देखता है तो अगर आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस अच्छे नहीं है आइडियल या डिजायरेबल नहीं है तो वो छोड़ के चला जाएगा वो आपके प्रोडक्ट की प्राइस देखेगा बोलेगा यार सात वाले तो पचास की दे रहे हैं ये क्यों उठा सिक्सटी एट की दे रहा है छोड़ के चला जाएगा या आपके पास नेगेटिव रिव्यूज हैं बैड कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी छोड़ के चला जाएगा या आपने प्रोडक्ट को सही तरह से बयान ही निकाल पाए कि मेरी प्रोडक्ट इस वजह से बेटर है आप मुझसे इसलिए लो तो भी वो छोड़ के चला जाएगा सो so, आइडियली लिस्टिंग जो होती है बायर फ्रेंडली एज वेल एज एमेजॉन फ्रेंडली होनी चाहिए अगर कोई बंदा आपको रीच आउट करता है कि यार मुझे सेल नहीं आ रही उसका मतलब ये नहीं कि आ जाएगी ठीक तो है उसको प्रॉपर कंसल्टेंसी देनी है उसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़्ड है कि नहीं है ऑप्टिमाइजेशन में आपने चेक करना है कि वो बायर फ्रेंडली एंड एमेजोन फ्रेंडली है कि नहीं है बायर फ्रेंडली क्या क्या का मतलब है जी बायर फ्रेंडली मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट मस्ट बी डिस्क्राइब एंड हाईलाइट नाइसली कि कस्टमर अगर एक पेज पे आएगा कि शॉप पे आता है तो उसको प्रोडक्ट के बारे में जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि क्या कलर है क्या साइज है क्या स्पेसिफिकेशन है इसको कैसे यूज करना है तो वो आपसे नहीं खरीदेगा सो so, आपने जो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट की है उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना है और हाईलाइट करना है अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पे सेकेंडली एमेजॉन फ्रेंडली मीन्स टू इनरिच द कॉन्टेंट विद हाई सर्च वॉल्यूम रेलिवेंट कीवर्स टू मैक्सीमाइज द ट्रैफिक बायर फ्रेंडली तो आपने कर लिया एमेजोन फ्रेंडली कैसे करना है इससे पहले हम बायर फ्रेंडली को थोड़ा और देख लेते हैं इंफॉर्मेशन आपने नाइसली डिस्क्राइब कर दी इमेजेज मस्ट बी एच डी एच डी मतलब के हाई डेफिनेशन के होने चाहिए आपके इन्फोग्राफिक्स भी उसके अंदर हो उसके अंदर लाइफ स्टाइल इमेजेस भी हों प्राइस आपकी कंपेटिटिव होनी चाहिए मस्ट बी मिनिमम ट्वेंटी रिव्यूज आपके लिस्टिंग पे होने चाहिए पॉजिटिव और उसकी रेटिंग जो है वो फोर स्टार प्लस होनी चाहिए तो आपकी लिस्टिंग ऑप्टीमाइज है तो बायर फ्रेंडली तो मैंने आपको बता दिया कि आपका टाइ आपकी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है डेट मस्ट बी डिस्क्राइब नाइसली ठीक है और सेकेंडली मैंने बता दिया कि आपकी प्राइस आपके इमेज जो हैं वो अच्छे होने चाहिए इन्फोग्राफिक और लाइफ स्टाइल कौन से होते हैं इन्फोग्राफिक इमेज होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को ग्राफिक्स में बयान कर रहे हो जैसे ये बता रहा है एब्जॉर्बेंट है सॉफ्ट है वार्म है इस तरह के ठीक है और जो लाइफस्टाइल होते हैं लाइफस्टाइल कौन से होते हैं जी आर जो इमे में रियल लाइफ में या real time में आप प्रोडक्ट को यूज करता हुआ दिखा रहे होते हो, ठीक है? अब एक बंदा आपके पास आ गया है, कहता है जी यार मुझे सेल नहीं आ रही सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसके सेल ना आने की रीजन क्या है उसमें आप उसको ये कह सकते हो कि अपने सैलरी सेंटर में जाओ और बिजनेस रिपोर्ट्स में जाके मुझे स्क्रीन शॉट सेंड करो लास्ट थर्टी डेज का लास्ट थर्टी डेज की बात कर लेते हैं मुझे स्क्रीन शॉट सेंड करो लास्ट थर्टी डेज का तो अपने बिजनेस रिपोर्ट्स में जाएगा वहां जाके अपनी प्रोडक्ट का एसिन निकालेगा जिसपे उसने दिखाना है आपको कि क्या सूरत हाल है तो वहां पे ऐसी कोई स्क्रीन आपके सामने शो हो रही होगी जो के सामने है सेशंस का क्या मतलब है फर्स्ट नंबर पे सेशंस को मैंने हाईलाइट किया हुआ सेशंस का मतलब उसके ऊपर आपको फ्राम डेट और टू डेट नजर आ रही है कि इस डेट से इस डेट रंज तक की ये इंफॉर्मेशन है अच्छा तो सेशंस का क्या मतलब है सेशंस मीन के लास्ट थर्टी डेज में आपकी प्रोडक्ट को 168 लोगों ने व्यू किया है इसको पेज आप कह सकते हैं क्लिक भी कह सकते हैं ठीक है क्लिक कह सकते हैं कि 168 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को क्लिक किया है अब पेज व्यू क्या होता है पेज व्यू लोग बोलेंगे 235 लिखा हुआ है तो पेज व्यू भी क्या होता है अगर सेशन ही होता है तो पेज व्यू और सेशन में ये डिफरेंस है कि सेशन जो है वो 48 एट आवर्स का होता है पेज व्यू की कोई लिमिट नहीं होती टाइम लिमिट फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके पेज पे आया उसने क्लिक किया एक सेशन एमेजोन ने काउंट कर लिया नौ फोर्टी एट आवर्स तक वो जितने मर्जी क्लिक करता जाएगा सेशन वो एक ही काउंट होना है पेज व्यू उसके क्लिक के साथ साथ बढ़ते जाएंगे जैसे मैं एक पेज पे आके क्लिक करता हूँ एमेजॉन ने कहा एक सेशन हो गया अब मैं घूमता फिरता एक आध घंटे बाद दोबारा उसी पेज पे आ गया आमेजॉन मुझे उसको एक सेशन ही काउंट करेगा फोर्टी एट आवर्स तक एंड जो पेज व्यू है वो साथ साथ काउंट करता रहेगा जितने क्लिक पड़ेंगे ठीक है उसके बाद जी आपने देखना है कि वन सिक्सटी एट लोग आपके पेज पे आए थे लास्ट टर्टी डेज में और यूनिट्स कितने ऑर्डर हुए हैं थर्टी नाइन यानी कि अगर आप परसेंटेज निकालो कितने लोग आए मेरे पेज पे कितनों ने क्लिक किया और कितनों ने मुझसे खरीद लिया ऑर्डर कर दिया तो 168 में से 39 ने परसेंटेज से डैट इज अ गुड अच्छी चीज इसको काउंट किया जाता है अगर आपकी 15 प्लस हो आइडियली तो हम कहते हैं कि जितने भी बंदे आए हैं वो आके खरीदें लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है नहीं है, 15 अगर आपका है, है, तो कि आप गुड टू गो जा रहे हो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो लिस्टिंग के सामने, मेरे सामने आ रही है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि इस बंदे को ट्रैफिक कम मिल रही है आप देख रहे हो इसकी लिस्टिंग बेस्ट है थर्टी नाइन लेके जा रहे हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट इसका यूनिट सेशन परसेंटेज है डेट कुड बी इम्प्रूव मोर by by adding coupons or by, uh, increasing the reviews etc. Lekin, traffic Traffic Last 30 days में, एक सौ अड़सठ लोगों ने खरीदा मतलब demand बहुत कम है इस product की या फिर इसकी ranking नहीं है अच्छे कीवर्स पे अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले रेलिवेंट keywords पे इस बंदे की रैंकिंग नहीं है तो आपने इसको यहाँ पे लिस्टिंग तो एक बार चेक करनी है जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कि बायर फ्रेंडली और फ्रेंडली है नहीं है उसके बाद यू मस्ट मार्केट योर प्रोडक्ट अपनी पे काम ताकि आपको मिले। जब मिलेंगे और फिर हम देखेंगे कन्वर्जन नहीं हो रही यूनिट सेशन परसेंटेज ट्वेंटी या फिफ्टीन से कम आ रहा है या प्राइस में या रिव्यूज में या इमेजेस में एटसेट्रा तो अभी हम बात कर रहे हैं बायर फ्रेंडली जो मैंने आपको बता दिया Amazon फ्रेंडली क्या होता है कि आपने अपने लिस्टिंग के कंटेंट के अंदर हाई सर्च वाली रेलिवेंट की यूज किए हैं कि कोई नहीं किए अगर बायर फ्रेंडली तो आपने बना दिया आपने टाइटल में जी बड़ी चीजें बोल दी आपने बुलेट पॉइंट्स में बड़ी चीजें बोल दी आपने डिस्क्रिप्शन में बड़ी चीजें बोल दी आपने इमेजेस में बड़ी चीजें दिखा दी आपने फुलफिलमेंट मेथड ऐड कर दिया आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि मैं क्या दूंगा वो तो बायर के लिए है लेकिन बायर को लाना किसने आपके पेज के ऊपर इस साइंस को तो समझो एमेजोन ने लाना है आपके पेज के ऊपर तो अमेजोन को भी तो बताना है कि मैं ये चीज बेच रहा हूं जब बंदा ये चीज सर्च करता है तो मुझे आपने सर्च रिजल्ट में दिखाना है मेक सेंस ना अमेजोन को जब पता ही नहीं है कि जब कोई बंदा ये चीज सर्च करेगा तो मैंने मैंनेसाद की लिस्टिंग को दिखाना है कि नहीं दिखाना जबकि बंदा ये चीज सर्च करेगा मैंने मिसायरा की लिस्टिंग को दिखाना है कि नहीं दिखाना तो आपने कस्टमर को तो इंफॉर्मेशन देनी ही है नाइसली और हाईलाइट करके अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को इसी तरह एमेजोन को भी आपने बताना है कि यार जब कोई बंदा ये चीज सर्च करेगा तो मुझे भी कंसीडर करना सर्च रिजल्ट में वो कैसे करते हैं अपनी लिस्टिंग के कंटेंट में हाई सर्च वॉल्यूम और रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज करके उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट को किस किस कीवर्ड से अमेजॉन पे सर्च किया जा रहा है तो लेट्स से इसी की एग्जांपल लेते हैं uh, मैं ऑन कर रहा हूँ जी बेबी टॉवर्स है ये बंदा मेरे सामने आया मुझे पता चल गया इसके इमेजेस तो बहुत अच्छे हैं इसके टाइटल भी नॉट बैड लेकिन इसकी बुलेट पॉइंट ही नहीं है इसके तो डिस्क्रिप्शन ही बहुत बुरी सी है तो वट शुड आई डू मुझे सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जो मैं इसकी कंटेंट के अंदर इनरिच कर सकूं ताकि अमेजोन को भी पता चले कि इस इस कीवर्ड के सर्च रिजल्ट में मैंने इस बंदे को भी दिखाना है देन मैं क्या करूंगा देन इसकी स्ट्रक्चर करूंगा दोबारा टाइटल को बुलेट्स को और डिस्क्रिप्शन को इमेजेस इसके अच्छे हैं आपको नजर आ रहे हैं दीज आर डिजायरेबल इमेजेस ठीक है और सेकेंडली रिव्यूज रिव्यूज कम अज कम एमेजॉन रिटेल रेडी जो मैंने आपको वर्ल्ड बताया था उसमें अमेजोन कहता है कि 20 प्लस रिव्यूज जब होते हैं तो बायर बिहेवियर अमेजोन पे ये है कि बायर लाइक like करता है कि यार टाइटल भी अच्छा बुलेट्स भी अच्छे इमेजेस भी अच्छे डिस्क्रिप्शन भी अच्छी प्राइस भी अच्छी फुलफिलमेंट मैथड भी अच्छा, 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 अच्छा खरीद लो इस बंदे से वो आपसे खरीद लेते हैं तो so, 20 रिव्यूज के लिए आपको पता है लिस्टिंग प्रमोटर्स यूज करने पड़ते हैं अगर लिस्टिंग प्रमोटर्स का नहीं पता तो वो भी आपको बता दूंगा ठीक है क्या होते हैं तो सबसे पहले मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा कीवर्ड रिसर्च कैसे द हाईली रिकमेंडेड टूल इज हीलियम टेन हीलियम टेन पे आप कीवर्ड रिसर्च करते हो अच्छा मुझे जो वालेकुम सलाम जो सारे आ रहे हैं और जो आप लोग कह रहे हो ना पीपीसी के सेशन दें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनशाला वो सब के सब आपको मैं दूंगा सो डोंट वरी वो स्टार्ट हो गया अब ब्रेक नहीं लगनी ओके ओके अब यहाँ पे मैं हीलियम टेन में आया हुआ हूं मेरे सामने हीलियम टेन, टेन का टूल है मैग्नेट के नाम से आप जानते हैं जहां पे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ठीक है तो मैं मैग्नेट पे आके क्लिक करता हूं मैग्नेट को ओपन करने के लिए कह रहे लॉग इन करो तो बड़ा लॉग इन करते हैं इसको वेरिफिकेशन कोड यहां पे होगा तो मेरे सामने मैग्नेट ओपन है सबसे पहले एज यू गाइस नो कि हमें मार्केट प्लेस चूज करना होता है कि हम कौन सी मार्केट प्लेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करने लगे हैं सो एमेज डॉट कॉम मेरा मार्केट है एंड यहां पे मैं आके अपना सीड कीवर्ड दे दूंगा सीड कीवर्ड क्या होता है जो आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है आप बेबी टावर्स बेच रहे हो बेबी टावर्स आपका सीड कीवर्ड है बेबीज के टावर्स बेच रहे हो आप आइसक्रीम स्कूप बेच रहे हो तो आइसक्रीम स्कूप आपका सीड कीवर्ड है बिकॉज आप आइसक्रीम के स्कूप बेच रहे हो आप लैपटॉप स्टैंड बेच रहे हो तो लैपटॉप स्टैंड आपका सीड की वर्ड है बिकॉज आप लैपटॉप के स्टैंड बेच रहे हो तो मैं यहाँ पे बेबी टॉवल की एग्जांपल लेता हूँ आई एम गोइंग टू राइट बेबी टॉवल्स हेयर और गेट कीवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ अब बेबी टावल जैसे ही मैंने हीलियम पे सर्च किया हीलियम टेन मुझे उन कीवर्ड्स कीवर्ड्स के वो निकाल के दिखा देगा जो हीलियम टेन को लगता है कि मेरी सर्च से रिलेटेड है अब हीलियम टेन एक मैनुअल टूल तो नहीं है ये तो ऑटोमेटेड है इसके एपीआई लगे हुए होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो काम करते हैं और डाटा निकाल निकाल के आगे शेयर कर देते हैं तो इसमें काफी सारे इनरेलीवेंट रिजल्ट भी आपको मिलते हैं सो मुझे खुद रिसर्च का मतलब ये है कि मुझे रिसर्च करके सिर्फ वो वाले कीवर्ड्स वर्ड निकालने हैं दो हजार जो हमारे से रेलिवेंट है मैं इन रेलिवेंट जगह पे अपना एड क्यों शो करूंगा मैं अगर अपने टाइटल में लिख देता हूं बेबी टॉवल्स फॉर गर्ल्स लेट्स मैंने लिख दिया बेबी टॉवल्स फॉर गर्ल्स लेकिन मेरा प्रोडक्ट अगर गर्ल्स के लिए नहीं है वो मैन के बॉयज के लिए है तो मैं क्यों अपनी जगह पे ऐसे बंदे को ऐड शो करूंगा जिसको मैन का टॉवल चाहिए ही नहीं वो गर्ल्स का क्लिक करेगा अमेजॉन देखेगा जी आपने वो यूज की यूज किया है आपको सर्च रिजल्ट में दिखा देगा जब सर्च रिजल्ट में दिखाएगा तो अमेजोन जी वो कस्टमर समझेगा गर्ल्स का ये इसीलिए लिखा हुआ है इसको अमेजोन ने इसलिए दिखाया कि गर्ल्स का ये भी वो खरीद लेगा और जब खरीदेगा तो देखेगा यार ये तो मैन का स्टफ है बॉयज का स्टफ है गर्ल का तो है ही नहीं तो वो रिटर्न कर देगा जब रिटर्न करेगा आपका ऑर्डर का रेट भी खराब होगा आपके सैलरी अकाउंट की हेल्थ भी डाउन होगी और आपका पैसे भी अमेजोन काटता है रिटर्न की फीस भी काटता है तो वाई आई एम गोइंग टू शो माई प्रोडक्ट इन टू इलिवेंट सर्चिस तो मुझे खुद रेलिवेंट की आठ हजार नौ सौ तेईस रिजल्ट निकाल के दिखा दिए हैं मुझे हीलियम ने मुझे इन रिजल्ट को मजीद नैरो डाउन करना है ऑन बेसिस ऑफ सर्च वॉल्यूम एंड रेलिवेंट कीवर्स तो वट आई एम गोइंग टू डू हेयर मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम के फिल्टर में जाऊंगा और लेट से मैं कहता हूँ मुझे यार सिर्फ वो की वर्ड दिखाओ जिनका सर्च वॉल्यूम कम अज कम ट्वेंटी मोर देन फिफ्टीन हंड्रेड और टू थाउजेंड बस मैं वैसे ही जनरली ट्वेंटी कह रहा हूँ बिकॉज इट इज अ गुड नंबर पच्चीस सौ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसने 8000 समथिंग में से कीवर्ड्स कम करके एक सौ बयासी की वर्ड दे दिएम टेन ने नॉ मुझे 182 में सर्च वॉल्यूम वाइज तो फिल्टर मैंने कर लिया और रेलिवेंसी वाइज तो फिल्टर करना है ना इसको इसमें बेबी बात एक की वर्ड है लेट्स से बेबी बात एक की वर्ड है तो मैं बेबी बात पे अपना ऐड शो करना चाहूंगा एक कस्टमर शो सर्च कर रहा है बेबी बाथ वाई आई एम गोइंग टू शो माय एड मैं अगर सर्च करके क्लिक करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ अमेजोन पे आके कि जब बेबी बाथ को सर्च किया जाता है अमेजोन के ऊपर तो आपके पास सर्च दल में बाथ टब आ रहे हैं बाथ सोप आ रहे हैं आपके पास उसकी बाथ पैड आ रहे हैं बाथ उसके पौंड आ रहा है आपके सामने बेबी टॉवल्स नहीं आ रहे That मीन्स के ये जो की वर्ड है आपके लिए रेलिवेंट नहीं है रेलिवेंसी देखने के लिए आपको चेक करना होता है कि जो की वर्ड आपने सर्च किया है क्या आपके पास सर्च रिजल्ट में 80% परसेंट कम अज कम या 70% परसेंट रिजल्ट उसी चीज के आ रहे हैं जो आपकी प्रोडक्ट है बट यहाँ पे तो मुझे बात टब आ रहे हैं बात पोल आ रहे हैं बात सोप आ रहे हैं बात क्लोथिस आ रहे हैं डेट मीन्स की दिस इज समिंग फॉर मी ठीक है

फिर आप पंद्रह सो कर देंगी तो तीन चार और आ जाएंगे तो पंद्रह बीस की वर्ड आपके पास आ जाए रेलिवेंट और अच्छे सर्च वाले तो यू कैन यूज ओके यूजीएमएल एच टी एम एल डिस्क्रिप्शन का एमेजोन ने बैन लगाया हुआ था लेकिन अभी भी यूज हो रही है टाइटल और बुलेट्स नहीं यूज होते में तो ये कीवर्ड मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है मैं इसको ब्लॉक करूंगा कैंसिल करूंगा यहाँ पे क्रॉस करूंगा खत्म बेबी नेसेसिटीज हम लोग समझते हैं कि विभिन नेसेसिटीज में टॉवल आता है लेकिन कस्टमर का टेंशन तो हमें नहीं पता कि उसको टॉवल ही चाहिए या उसको मे uh, बी उसको लोशन uh, चाहिए सोप चाहिए कपड़े चाहिए सॉक्स चाहिए क्लॉथज चाहिए टोपी चाहिए क्या चाहिए तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दीज की बिकॉज ये मेरे एक्चुअल जो की हैं जिनको मैंने यूज करना है उनकी जगह खा जाएगा तो मैं इसको बंद कैंसल करूंगा, करूंगा, खतम, शावर खतम, नहीं है मुझे का पता बात है, क्या पता कस्टमर को बहुत टॉवल्स चाहिए या क्या चाहिए तो मैं क्रॉस करूंगा खत्म बेबी नीड्स खत्म न्यू बर्न इसल खत्म बैम्बू बेबी क्लॉदिज मैं क्लॉथिस नहीं बेच रहा तो खत्म बेबी गर्ल टॉवल इसमें आता है, लेकिन ब्रॉड है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती हैं। सो आई एम हुड वाला टॉवल है मेरा हुड वाला नो you know, कि वो सर पे टोपी सी बनी हुई होती है भालू की तरह की तो अगर मेरा हुड वाला है तो दैटिवेंट की अगर नहीं है तो हुडी टॉवल जो सर्च कर रहा है हुडी चाहिए तो मैं वहां पे अपना नहीं शो करूंगा और यहाँ पे शो हो रहे हैं तो मेरा तो बेबीज के लिए है तो हुबल की वर्ड फॉर मी तो मैं इसको खत्म कर रहा हूं बेबी आइटम्स नहीं बेबी क्लॉथ नहीं बाथ बाथवल्स इवन बैम्बू बाथ टावल्स बैम्बू एक मेटीरियल है लेकिन बाथ टॉवल्स बेबी की जिक्र नहीं हो रहा मुझे नहीं पता कस्टमर को बेबी का बॉड टावल चाहिए या मे बी वो कोई बुढ़ा हो वो सर्च कर रहा हो ठीक है तो बेम्बू बॉड टॉवल्स जो है उसको नहीं हम कंसिडर करेंगे Hudson, baby, no, brand, no, बेबी नो नो इसी तरह क्रॉस कर देंगे बेबी टॉवल्स एक कीवर्ड मुझे मिल गया जिसका सर्च वॉल्यूम फोर्टी सेवन थाउजेंड है लेकिन अगर मेरा हुड वाला है तो ये कीवर्ड मेरे लिए सूटेबल है अगर नहीं है तो ये भी नहीं है तो मैं चेक करता हूँ मेरे ने जो अभी निकाली थी लिस्टिंग सॉरी वो कौन सा जी हुड वाला है बेबी ने हुड किया हुआ तो ये हुड वाला की वर्ड बेबी टावल सूटेबल फॉर मी उसके बाद जी टॉवल्स फॉर टोडलेट ठीक है बेबी टॉवल्स फॉर न्यू बर्न ठीक है आ, बेंबू ब्रांड नेम नहीं है बेंबू मटीरियल है बेसिकली एक बेंबू मटीरियल होता है एक अच्छा टोटलर ट्रावल्स फॉर बॉय अगर आपका प्रोडक्ट बॉय एंड गर्ल्स दोनों के लिए है तो ये की आपके लिए सूटेबल है अगर स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है तो टोटलर ट्रावल्स फॉर बॉय इज नॉट योर की ठीक है तो मैं कहता हूँ मेरा दोनों के लिए है तो आई विल कीप इट बेबी एजेंशियल नहीं बेबी ट्रॉवल्स फॉर बॉय ठीक है बेबी बॉयज स्टफ ब्रॉड की वर्ड है ठीक है मैंने कहा था मेरा बेम्बू मटीरियल है टोडलर टॉवल फॉर गर्ल्स ठीक है मैंने कहा था मेरा दोनों के लिए ही है

टॉवर्स का जिक्र नहीं हो रहा खत्म करूंगा बेबी टॉवर्स एंड वॉश क्लॉथ्स ये कस्टमर को दोनों चीजें चाहिए तो मैं नहीं करूंगा जेंडर न्यूट्रल बेबी गिफ्ट नो टोडलर टावल ये टोडलर हु टावल ठीक है आगे बनारस पारा बेब्स दिस इज स्पेनिश कीवर्ड इसको मैं क्रॉस करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ इसी तरह आप क्या करते हैं आप वन बाय वन सारे पेजेस में देखेंगे जो 182 एटी टू आपके सामने आए हैं इनमें जो से रेलिवेंट है उनको उठा लेंगे और जो उनसे इनरेलीवेंट है उनको आप रिमूव कर देंगे ठीक है ठीक है तो उनको आप रिमूव कर देंगे तो जब आप रिमूव करेंगे तो आपके सामने वो कीवर्ड आ जाएंगे जिनका सर्च वॉल्यूम जो आपने फिल्टर लगाया हुआ था और जो आपके लिए रेलिवेंट है आप सिंपल एक्सपोर्ट पे जाके राइट टॉप पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे

सबसे पहले मैग्नेट आई क्यू स्कोर मुझे नहीं चाहिए मुझे सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड से लेना देना है तो मैं कंट्रोल माइनस करूंगा इनको चूज करके और खत्म कर दूंगा सब ठीक है नो आई एम सेइंग हुडसन बेबी अब यहां से भी मैं मजीद रिमूव कर सकता हूँ कीवर्ड्स को लाइक कंट्रोल माइनस करूंगा ये भी खत्म और नीचे आते हैं लेट्स से कि मुझे सेवनटीन की वर्ड मिल गए हैं आप मजीद डिग इन करोगे मुझे 17 मिल गए मैंने इनफ कर दिया मैंने कहा ठीक है खत्म मेरे लिए ये इनफ है ठीक है एक ये भी है था बेबी व्हाट आई एम गोइंग टू डू मैं इन को सॉल्ट बाय हाई टू लो करने हूं तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाता हूं एक्सल का फार्मूला तो यहां पे वो मुझे फिल्टर दे देता है तो मैं सॉल्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करूंगा तो सॉल्ट टू लो मेरे सामने होके सामने आ जाएंगे नो वट आई एम गोइंग टू डू इस मुझे लिस्टिंग करनी है अब लिस्टिंग करने में यह प्रॉब्लम है लिस्टिंग कॉन्टेंट राइटिंग में यह स्पेनिश की वर्ड हम बैकहेंड पे यूज कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा तो अब इसमें यह प्रॉब्लम है कि लिस्टिंग कॉन्टेंट राइटिंग के लिए आपको क्रिएटिव माइंड रखना जरूरी है या आपकी इंग्लिश की जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है सो वट वी डू इज लिस्टिंग कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग क्या दस पांच छह सात आठ दस बंदों की टाइटल उठाई अपना टाइटल बना दिया दस पांच छह सात आठ बंदों के बुलेट पॉइंट्स उठाए अपना बुलेट पॉइंट्स बना लिया दस पांच छह सात बंदों के डिस्क्रिप्शन उठाई अपना डिस्क्रिप्शन बना लिया अपने की यूज कर लिए ठीक है तो लेट सी हाउ टू डू दिस मैं यहाँ पे वर्ल्ड ओपन करता हूँ और पांच उठा लेता हूँ कंपेटिटर्स ठीक है आप कोई भी आप पचास नंबर का इंटरव्यू उठा लो इनिशियली आपको थोड़ी होती हैं, लेकिन जब एक्सपर्ट बन जाते हो ना तो आप तीन चार से करता हूं। अब बेबी मैं करने लगा हूँ और मेरे सामने जो रिजल्ट आया आई एम गोइंग टू पिक समेटिटर्स वो वाले कंपेटिटर्स जो मुझे लग रहा है कि मेरी प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं सो आई एम गोइंग टू कॉपी टाइटल बुलेट्स एंड डिस्क्रिप्शन तो लेट सी मैं ओपन करता हूँ वन बाय वन कुछ टॉवल्स को टू सी के इफ एवरीथिंग इज गुड अब एक चीज अपने माइंड में आप लोगों ने रखनी है कि हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है तो नकल के लिए अकल की जरूरत का मतलब होता है कि अगर एक क्लाइंट या एक कंपेटिटर का आप कॉपी कर रहे हो बुलेट पॉइंट तो उसमें उसने लिखा हुआ या उसने ब्रांड नेम लिखा हुआ कि जोगो बबी आर मेड ऑफ द ड्यूरेबल कॉटन मटेरियल तो आपका बेम्बू मटेरियल है अब ये ना हो कि आप उठा के वही कॉपी करके जी दोगो बेबी टावर्स मेड की वर्ड यूज कर लो जोगो टावर्स आर बेबी आर मेड ऑफ कॉटन ड्यूरेबल कॉटन मटीरियल नकल के लिए अकल का मतलब है कि ये भी देख रहे हैं कि जो चीज आप कॉपी कर रहे हो कि वो उसके अंदर मटेरियल साइज या जो फीचर या जिस चीज की बात हो रही है क्या वो आपकी प्रोडक्ट में है भी है या कोई नहीं है आप उठा रहे हो जी के आ, 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 आप कह रहे हो जी पिंक कलर एंड मैं आपने वो देखा उसने पिंक लिखा हुआ आपने पिंक लिख दिया लेकिन आपका है तो येलो था तो ये काम कभी नहीं करने ठीक है तो हाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू अच्छा ये इसके मैं टाइटल उठाता हूँ इस लिस्टिंग का कॉपी करता हूँ एम एस पे जाके इसको पेस्ट करता हूं देन मैं टाइटल उठाता हूं किसी और लिस्टिंग का इसको उठा के यहां पे हूँ, फिर एक और लिस्टिंग का उठाता हूं और यहां पे जाके दर्पज इज टू गेट एन आइडिया ऑफ वर्डिंग और फ्रेजेज नॉट के बस छाप दिया सारा। तो मैं पेस्ट करूंगा इधर और अब देखो मेरे सामने इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं अब नौ सबसे पहले अमेजोन क्या कहता है कि सबसे पहले अपना ब्रांड नेम लिखना है आपने एमेजोन का रूल है अमेजोन के टाइटल की गाइडलाइंस देखो कि जिसमें लिखा है सबसे पहले ब्रांड नेम अपना लिखना है और ब्रांड नेम आपका कैपिटल होता है ठीक है कैपिटल आपने ब्रांड नेम लिख दिया से मेरा ब्रांड नेम जोगो है नो आई एम गोइंग टू यूज जिस तरह जिस सीक्वेंस में मैंने ये लिखे हुए हैं ना सारे keywords, इसी सीक्वेंस में मैंने इनको यूज करना है ठीक है? So, है, है? है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एज वेल आपके जो वर्ड uh, है आपके टाइटल में उनके पहले कलेक्टर कैपिटल होने चाहिए तो मैंने जोगो बेबी टॉवल्स लिख दिया पहली चीज मैंने इसको बायर फ्रेंडली भी बना दिया अमेजोन फ्रेंडली भी बना दिया एक फिक्र में बायर फ्रेंडली कैसे बनाया जोगो को बता दिया कस्टमर के जोगो ब्रांड है बेच कर है बेबी टॉवल्स दो चीजें बता दी एमेजोन को क्या बता दिया जोगो ब्रांड है और कीवर्ड बता दिया बेबी टॉवल्स एक चीज से अब मैं एक चीज से दो शिकार करने लगा हूं मैंने लिखा वह जोगो बेबी टॉवल्स इसमें मैंने एक की यूज कर लिया जिसका सर्च वॉल्यूम फोर्टी समथिंग है तो आई एम गोइंग टू बी एलिजिबल टू शो इन द सर्च रिजल्ट ऑफ बेबी टॉवर्स बिकॉज मैंने टाइटल में ये यूज किया हुआ अब मैं कैसे यहां पे एक तीर से दो शिकार करने लगा हूं ये लें अब किसी को समझ आई तो बताएं जोगो बेबी टॉवर्स मैंने यूज कर लिया शुरू में ब्रांड नेम

तो मैं टारगेट कर रहा हूँ फोर्टी सेवन थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड मैं तकरीबन पच्वन पचपन टारगेट कर रहा हूँ एग्जैक्टली exactly सही कह है, रहे अहमद भाई आप अब आगे हमने फिक्रे चेंज अगर फिक्रे आपस में ना अगर आप एक बार ही लिख दोगे ना क्या कहते हैं उसको एक बार ही सारा पैराग्राफ लिख दोगे ना तो कस्टमर जो है कंफ्यूज हो जाएगा तो फिक्रों को आपस में अगर आपने डिवाइड करना है ना तो डैश लगा दो और कुछ ना लगाओ डैश इज अ गुड साइन ठीक है डैश लगा दिया हाँ दो की यूज कर लिए आगे आपने ऊपर से देखो क्या यूज कर रहे हैं अल्ट्रा सॉफ्ट बेबी हुडी टॉवल विद यूनिक डिजाइन हाइपोलजेल इन इन्फेंट एंड सूटेबल एर बेबी गिफ्ट ब्ला ब्ला अब आपका बेम्बू मटीरियल का बना हुआ है ये चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अल्ट्रा सॉफ्ट आपको पता है कि कस्टमर लेता ही बेबी के लिए वो चीज है जो अल्ट्रा सॉफ्ट होती है तो आप ये भी यूज कर सकते हो यूनिक डिजाइन आप कह दो मेरा यूनिक डिजाइन है ये भी आप यूज कर सकते हो बट यूज कैसे करना है ये मैटर करता है ठीक है घुसाने नहीं है की उनको लिखना है लेट से मैं कहता हूं बैम लेट से मैं कहता हूं अल्ट्रासॉफ्ट अल्ट्रासॉफ्ट एंड यूनिक डिजाइन बैंबू एक और कीवर्ड यूज होने वाला इधर बैंबू वाला एक है था uh, किधर गया बैंबू बेबी टॉवल अब देखो यहाँ पे दो कीवर्ड यूज हो गए हैं सॉफ्ट एंड यूनिक डिजाइन बेंबू बेबी टॉवल फिर डैश अब यहाँ पे दो और कीवर्ड यूज हो गए हैं बैंब बेबी टॉवल जिसका सर्च वालियम है तीन हजार अड़तालीस और एक सिर्फ बेबी टॉवल एस वाला नहीं हम यूज कर रहे हम टॉवल यूज कर रहे हैं जिसका सर्च वाली में ट्वेंटी यहां पे था वन थाउजेंड ठीक है तो मैं चार कीवर्ड्स यूज कर चुका हूं अपने टाइटल में ही सिर्फ कस्टमर को बता दिया जोगो ब्रांड है हुड वाले टावल बेच रहा है बेबी के टावल बेच रहा है अल्ट्रा सॉफ्ट डिजाइन है चार की वर्ड मैंने टारगेट कर दिए एट द स्पॉट और एंड में चलो दादा लंबा नहीं करते टाइटल को रीजन इज डैट के हमने सिर्फ कंप्यूटर को नहीं देखना होता लैपटॉप को नहीं देखना होता मोस्टली पीपल जो हैं असद भाई पंद्रह से बीस की वर्ड आर इनफ पंद्रह से बीस की वर्ड अच्छा मोस्टली हमने ज्यादातर लोग मोबाइल से खरीद रहे होते हैं तो हमने मोबाइल फ्रेंडली बनाना होता है टाइटल ठीक है तो ये चीज यूज होगी है अब आप यूज कर सकते हो कि इसका कोई और फीचर अगर आपके माइंड में है आप टाइटल में बता दो लाइक हैपो एलर्जेनिक होना चाहिए आपका प्रोडक्ट क्योंकि बच्चों को एलर्जी होती है तो आप वो एलर्जी फ्री चीजें ढूंढ रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमारा हाइपो एलर्जेनिक यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज हो सकता है हर्पोलजेनिक टोडलर टॉवल्स टोडलर टॉवल्स फॉर बेबी बॉय एंड गर्ल्स और डैश कलर बता देता हूं रेड इट अब देखो मैंने क्या किया मैंने ब्रांड नेम भी बता दिया कीवर्ड भी बता दिया अमेजोन को और अपनी प्रोडक्ट के फीचर को भी टाइटल का मतलब होता है कि अपनी प्रोडक्ट को जो फीचर है या नाम है या खासियत है उसको एक टाइटल में बयान कर देना कलर साइज ठीक है तो मैंने पे बयान कर दिए तो ये मेरा टाइटल हो गया मैंने इतने की यूज कर लिए अब इसमें क्या होता है कि मैं वन बाय वन जाऊंगा मैं जाके एक्सेल पे देखूंगा ये कीवर्ड यूज कर लिया ये नहीं किया ये कर लिया ये नहीं किया तो उसके लिए टेन का टूल है स्क्रिबल्स के नाम से जो आपको हेल्प आउट करता है कन्वीनियंट लिस्टिंग राइटिंग में टेन में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे स्क्रिबल्स के नाम से हिलियम टेन का एक टूल है तो मैं हिलियम टेन में जाता हूं यहां पे देखते हैं स्क्रिबल्स की जरा ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर लिखा हुआ है स्क्रिबल्स ठीक है तो स्क्रिबल्स पे मैं क्लिक करता हूं स्क्रिबल्स में जब मैं आता हूं तो स्क्रिबल्स मुझे कहता है जी मुझे कीवर्ड्स दे दो जो आप यूज करना चाहते हो सो आई कैन टेल यू कि ये कीवर्ड आपने यूज कर लिया या अभी नहीं किया तो मैं कीवर्ड्स की लिस्ट कॉपी करता हूँ एक्सेल से और सिंपल स्क्रिब में आके वो कीवर्ड्स पेस्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देता हूं तो ये अब आप कि सत्रह की वर्ड यहां पे हैं। अब नाउ होगा क्या कि मैं टाइटल में जो मैंने टाइटल लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं जैसा ही मैंने टाइटल को कॉपी करके स्क्रीबल्स के टाइटल की फील्ड में पेस्ट किया तो स्क्रीबल्स आपको दिखा रहा है कि आपने 138 थर्टी यूज कर लिए हैं आउट ऑफ 200 तो इसका मतलब होता है कि आप 200 जो करेक्टर लिमिट है टाइटल की उसको क्रॉस ना करो तो आपने यहां पे यूज कर लिया 138 पहली चीज दूसरा कि जब आपने टाइटल में फील्ड में आके टाइटल को पेस्ट किया है तो लेफ्ट साइड पे आप देखें फ्रेज में Amazon, ए, टेन के स्क्रिबल ने क्रॉस लगा दिया है वो जो आप यूज कर चुके हो आप बेबी टावर्स कर चुके हो आप बेबी कर चुके हो आप बेम्बू बेबी टावर कर चुके हो आप बेबी टावर कर चुके हो आप, आप टोडलर टावर्स कर चुके हो तो उसने क्रॉस लगा दिया है वो आपको बता रहा है कि आपने ये कीवर्ड यूज कर लिया है नाउ फोकस ऑन अदर कीवर्ड्स अब दूसरे कीवर्ड्स पे आओ आप एक कीवर्ड को पचास वर्ड भी यूज करोगे ना तो अमेजोन को फर्क नहीं पड़ेगा गूगल नहीं है कि आप इधर भी यूज करो उधर भी करो इधर भी करो तो अमेजॉन आपको रैंक कर देगा एमेजोन पे रैंकिंग इज जस्ट बेस्ड ऑन द सेल्स जिस कीवर्ड पे जितनी सेल आएगी उतनी अच्छी आपकी रैंकिंग होगी तो कीवर्ड वर्ड यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है कि अमेजोन में कम से कम पता तो हो कि इस लिस्टिंग को इस की पे शो करना है फिर शो कैसे रैंक कैसे करना है वो आगे आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में सीखेंगे तो ये मैंने बुलेट पॉइंट टाइटल बना दिया बुलेट पॉइंट्स में अब आते हैं वो भी हम उसी तरह कॉपी करेंगे डिफरेंट किस्म के अपने कंपेटिटर्स के उसमें सजेशन होती है कि पहला बुलेट पॉइंट में अपनी क्वालिटी बता दी जाए दूसरे तीसरे चौथे में फीचर्स बता दिए जाए और पांचवे में अगर कोई सेटिस्फेक्शन गारंटेड या कोई वारंटी है तो वो बता दी जाए जैसे फर्स्ट वाला मेरा हमेशा एक ही होता है जिसका नाम मैंने प्रीमियम क्वालिटी रखा हुआ है मैं प्रीमियम क्वालिटी लिखता हूँ और सिंपल डैश लगा के हेडिंग हेडिंग उसकी कैपिटलाइज करनी है ठीक है तो मैं प्रीमियम क्वालिटी लिखता हूं और उसको कैपिटल कर देता हूं नाउ सिंपल बताना क्या है शुरू में ब्रांड नेम लिखो लिखो दोगो और आगे कीवर्ड यूज करो अपना एक आप बता रहे हो जैसे हम उर्दू में बताते हैं कि यार मेरी चीज बड़े अच्छे कॉटन मटेरियल की बनी हुई है ठीक है ये क्वालिटी आपने ऐसे बताना है ठीक है तो मैं देखता हूँ कौन सा कीवर्ड मेरा रह गया है जोगो टोडलर बार टावल ठीक है जोगो मैं कहता हूँ टोडलर बार टावल इज मैन्युफैक्चर्ड विद ड्यूरेबल ड्यूरेबल हर जगह यूज हो जाता है वर्ड ठीक है कॉमन है एंड ब्रीथेबल या ड्यूरेबल प्रीमियम क्वालिटी बैंबू मटेरियल ठीक है बाजी मेरी ये कपड़ा बड़े अच्छे मटेरियल का बना हुआ है ठीक है तो बाजी जो ड्यूरेबल प्रीमियम क्वालिटी बैंबू मटेरियल ठीक है आगे आप लिख सकते हो डैट डज नॉट हार्म स्किन ऑफ योर बेबी बाजी ये बड़ा अच्छा बना हुआ है कपड़ा बड़े अच्छे टावल बड़े अच्छे मटीरियल का टॉवल है आपके बच्चे की स्किन खराब नहीं करेगा कोई चीज बेच रहे हो ऐसी मार्केटिंग करते हो लेने जाते हो तो इसी ना मार्केटिंग हो रही होती है ना तो वही चीज आप इंग्लिश में कर रहे हो जोगो टोलर बार टावल इज मैनुफेक्चर विद ड्यूरेबल प्रीमियम क्वालिटी बैम्बू मटेरियल दैट डज नॉट हार्म दी स्किन ऑफ आफ... लिटिल एंजल कह दो खूबसूरत वर्डों में करने के लिए मैंने ये कीवर्ड भी यूज कर लिया और एक बुलेट पॉइंट में कस्टमर को बता दिया कि मेरी प्रोडक्ट का क्या मेटीरियल है सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा अच्छा तो एक मिनट रहिएगा यू गाइस आर विद मी चाक जो सो गयो आप लोग सो गए आई थिंक मजा नहीं आ रहा मुझे आप लोगों के कमेंट्स नजर नहीं आ रहे ठीक है जाग रहे हैं नहीं, नहीं अच्छा मुझे मोबाइल पे नहीं थे आ रहे ठीक है यू ओके सही है अच्छा तो आई टॉकिंग अबाउट के मेरे सामने पहला बुलेट पॉइंट हो गया न और दूसरे पुलेट पॉइंट में हम क्या करते हैं कोई हैं यहां से इसका सेफ फॉर बेबी स्किन परफेक्ट फॉर बेबी साइज श्योर टू सी ये चीज ऐसी है जो यूज की जा सकती है अच्छा साइज एंड एक्सट्रीमली ड्यूरेबल मैं इसको चेंज करूंगा लेट uh, से हम कह सकते हैं मेरी हेल्प करनी है आप लोगों ने इसमें अच्छा यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं साइज एंड एक्सट्रीमली ड्यूरेबल को हम क्या कह सकते हैं बताएं मुझे मैं क्या हैडिंग दू इसको चेंज करने के लिए बिकॉज वी कैन नॉट कॉपी द एग्जैक्ट थिंग बताएं बताएं मुझे क्या लिखना चाहिए इस चीज की जगह जनरली साइज एंड एक्सट्रीमली ड्यूरेबल की जगह परफेक्टली साइज वन साइज फिट्स ऑल वे साइज सुटेबल साइज लाइफ लास्टिंग नहीं क्लाइंट के लिए समथिंग बेस्ट फॉर बेबीज नहीं फिटिंग नहीं फिट टू वियर नहीं हाँ फिट टू वियर थोड़ा सा है नहीं किसी और का ब्रांड नम यूज़ नहीं कर सकते अपना ब्रांड यूज कर सकते हैं किसी और का नहीं यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी नहीं इसको हम नहीं करना है परफेक्ट साइज कह सकते हैं परफेक्ट uh, साइज ठीक है परफेक्ट साइज कह सकते हैं यहाँ पे अब the general size कह रहा है. Uh, हम कह देते हैं अवर यहाँ पे हम अवर किस चीज की बात कर रहे हैं ट्रॉवल्स की ठीक है तो हम ट्रॉवल्स की वर्ड यूज कर लेते हैं जो हमारा है लेट से अवर बेबी टॉ बेबी बॉ ट्रॉवल्स ठीक है अवर बेबी बॉ ट्स

Makes, अच्छा हमने यहाँ पे यूज कर लिया अगर हम इसी को इसी इतना जाने देंगे ना अवर बेबी बार टॉवल तो एक थर्टी फोर इंच करेक्ट नहीं है तो अवर बेबी टॉवल मयर्स दिस मेक्स दिस हुआ इट मेक्स इट सुबल यहां कीवर्ड निकालना पड़ेगा वाला मेक्स इट सूटेबल फॉर न्यू बर्न इन फैंस टोडलर्स मैं इन फैंट्स पहले ले जाता हूँ न्यू बर्न आगे ले जाता हूँ न्यू बर्न एंड में ले जाता हूँ आगे पीछे कर दिए फ्रेजेस एंड स्मॉल किड्स कह रहा है मैं स्मॉल को खत्म कर देता हूँ किड्स भी बात होती है स्मॉल किड्स अप टू अपर ईयर्स ओल्ड मैं फाइव ओल्ड कह देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता फोर और फाइव बच्चा एक जितना ही होता है ठीक है फोर फाइव ईयर्स ओल्ड अवर बार ट्रावल फॉर बेबी ज एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है अवर बॉय ट्रॉवल फॉर बेबीज ने यूज किया हुआ आप अपना कीवर्ड देखो सो so लेट्स आपका कीवर्ड है अवर बेबी बॉय ट्रॉवल्स अवर बेबी बॉय ट्रॉवल्स अवर बेबी बॉय ट्रॉवल्स आर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल ठीक है और एक्सट्रीमली ड्यूरेबल हैज द परफेक्ट साइज

that makes it uh, size you can say you can say uh, that the towels you can say towel is growing with your baby वो कह रहा है कि ऐसा टॉवल है हमारा आप बच्चा एक साल का है दो साल का होगा तो भी यूज हो जाएगा तीन साल का होगा तो भी यूज हो जाएगा चार साल का होगा तो भी यूज हो जाएगा अपटू फाइव इयर्स तो मैंने कह दिया ड्यूरेबल एंड परफेक्ट साइज ऐसा है कि आपका बच्चा दो साल का होगा तो भी यूज हो जाएगा तीन का होगा तो भी यूज हो जाएगा सो यू कैन से टावल इज ग्रोइंग विध यूवर बेबी हमारा टावल भी सात साल बच्चे के साथ साल ग्रो कर रहा है यू कैन से डेट ठीक है अपने साइज की अपने की साइज को वो बताने के लिए मैं एक चोखी लगा रहा हूँ ठीक है तो कॉपी करेंगे इसको और बुलेट पॉइंट टू में ऐड कर लेंगे इसी तरह थर्ड में आप ऐड कर लोगे जैसे कर आप यहाँ पे उठाओ आप परफेक्ट गिफ्ट कह सकते हो आप बच्चों के लिए गिफ्ट यूज होते हैं ना बेबी जो टावल्स होते हैं बेम्बूज Uh, जो हुड वाले होते हैं बियर बने होते हैं बतखें बनी हुई होती हैं तो बच्चों के लिए गिफ्ट भी यूज हो सकते हैं तो यू कैन से सेवर या जोगो बेबी टॉवल जो की वर्ड आपने यूज करना है जोगो बेबी टॉवल आर परफेक्ट फॉर परफेक्ट गिफ्ट फॉर द क्यूट बेबीज योर बेबी, बेबी आ, विल लव इट इस तरह यूज करके तीसरे चौथे में अपने फीचर्स बता सकते हो अब पांचवा जो होता है ये भी मेरा जिस तरह मैंने पहले वाला बताया ना मेरा हर जगह यूज हो जाता है इसी तरह फिफ्थ वाला भी हर जगह यूज हो जाता है फैक्शन गारंटेड एमेजोन पे थर्टी डेज की मनी बैग गारंटी होती है कस्टमर को पसंद नहीं आता वो वापस करके पैसे ले लेता है ठीक है लेकिन कस्टमर कुछ को नहीं पता होती चीज तो हम इसी चीज को अपनी फीचर बता देते हैं कि वी बिलीव ये हर जगह यूज हो जाता है इसमें तो सिर्फ की वर्ड अपने अपने यूज कर लो बाकी सब सेम ही लाइन होती है वी बिलीव इन द क्वालिटी ऑफर यहाँ पे अब वर्ड यूज होगा लेट्स से बैंबू टॉवल्स, बैंबू बेबी टॉवल्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर टॉप प्रियॉरिटी ये हमने बताया इफ यू आर नॉट हैप्पी विद अवर या विद सिर्फ लिख दो जोगो कौन सा कीवर्ड कह की कीवर्ड चेक करते हैं with zogo baby girl towels for any reason please contact

कि जोगी गर्ल टावर से हैप्पी नहीं हो तो तीस दिन के अंदर अंदर हमसे कॉन्टेक्ट करके फुल रिफंड ले लो आप बता रहे हो कि हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इतना यकीन है कि हम फुल रिफंड देने को तैयार हैं। असल में आपको वैसे भी देना ही पड़ता है कि अमेजोन की पॉलिसी है तो आप कॉपी करो इसको यहां पे आके ऐड कर लो बता रहे आपने ये बुलेट पॉइंट भी यूज कर लिया नॉस्ट टाइम टू डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्रिप्शन में क्या होता है इसको बन करता हूँ अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है अब फीचर्स तो आप बता चुके हो टाइटल आप बता चुके हो डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि आप बेसिकली बता रहे होते हो उस प्रोडक्ट की खासियत कि वो प्रोडक्ट क्यों लेनी चाहिए बेम्बू बेबी हुडी टावर्स क्यों लेने चाहिए तो वो आप गूगल से आर्टिकल्स उठा के पढ़ निकाल के कॉपी पेस्ट कर देते हो ठीक है लेट से मैं कहता हूँ बेम्बू बेबी टावर्स बेनिफिट्स गूगल पर जाके सर्च करता हूँ उसको उठाता हूँ डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं, जो articles है जो आर्टिकल्स लिखती हैं कोई एफिलियेट वाली हैं सारी उठा लेंगे लेट से मैं ये वाला उठाता हूं यहां से मैंने कॉपी किया पेस्ट किया अवर ब्रांड न्यू बेबी यहाँ पे तो जोगो ब्रांड न्यू अपना ब्रांड नेम चेंजिंग करने के लिए इसमें जोगो ब्रांड न्यू बेबी ऑन द ब्लॉक क्रेजी टोन ठीक है इज विनिंग हॉट है यहाँ पे इसने ब्रांड नेम यूज किया है चलो फिर यहाँ पे ब्रांड नेम इधर ही यूज करो और यहाँ पे अवर ही लिखो अवर ब्रांड न्यू बेबी ऑन द ब्लॉक जोगो इज विनिंग विद सॉफ्टनेस विनेस एन पहले यूज कर लो सॉफ्टनेस आगे कर लो सेम चीजें नहीं करनी बस दैट इज प्रोवाइड आफ्टर बार टाइम बट दर इज मोर्डू डेन मीट द आई ठीक है ये आपने यूज कर लिया इसको बोल्ड कर लो थोड़ा सा ये लो नीचे थोड़ी सी आप खुशियाल बताओ कि बेबीज को ये लटावल क्यों यूज करना चाहिए तो ये कर लेते हैं की जाता है हैं जी टोटल टॉवर्स यहां से मैंने उठाए थे क्या था इसको तो बोल्ड खत्म करता हूं टेक्स्ट का क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा फिर तो यहां पे था दे आर है दे आर करते हैं।, तो हैं दे आर, आर सुपर एब्जॉर्बेंट कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया नीचे आए इज इको इको फ्रेंडली है मैं सिर्फ इको फ्रेंडली लिख लेता हूं यहाँ पे और जी नीचे आते हैं ड्यूरेबल एंड इको फ्रेंडली चलो ड्यूरेबल एंड इको फ्रेंडली यहाँ पे कर देते हैं चेंजिंग थोड़ी सी आ जाएगी सुपर सॉफ्ट एंड स्नगले एक्सट्रीम हम हम एक्सट्रीमली सॉफ्ट कर लेते हैं सुपर सॉफ्ट की जगह नीचे आते हैं और जी यहां पे देखते हैं कोई और किसी और में आर्टिकल में हो इजी टू केयर ठीक है ये मिल गया मुझे इजी टू केयर तरह अल्ट्रा सॉफ्टनेस ऊपर यूज कर चुके हैं ब्रीथेबल ठीक है नेचुरली ब्रीथेबल होते हैं कॉपी किया पेस्ट। के आप ना कुछ लिख दोगे इसके कि इसलिए यूज करने चाहिए ये और नीचे आप फिर अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बता दो दाता से आपको मिल जाते हैं दस पंद्रह इस के पॉइंट्स डाल दो तो कस्टमर को बताओ कि ये चीज इसलिए लेनी चाहिए ठीक है अब यहाँ पे आप लिख दो स्पेसिफिकेशन कलो तो कलर मटेरियल साइज ब्रांड नेम बताते जो यहाँ पे कलर हमने कहा था रेड है मटेरियल हमने कहा था बेम्बू है साइज हमने कहा था 30 बाय थर्टी टू है ब्रांड नेम हमने कहा था जोगो है और इसको बुलेट पॉइंट में ऐड कर लो स्पेसिफिकेशन इसकी बोल्ड कर लेते हैं ठीक है अब नीचे कुछ अगर इज, अगर इसकी हैं ठीक है ऐड कर लो लेट से मैं कहता हूं प्लीज डू नॉट यूज केमिकल्स टू वॉश दिस दीज बैंबू या टोडले ट्रावल एज दिस कुम टू दिन ऑफ प्योर बेबी सो प्लीज यूज डिटर्जेंट वॉश दीज वॉश जोगो यहाँ पे एक और की वर्ड यूज हो जाएगा जोगो बेबी ट्रॉवल ठीक है की वर्ड घुसाने हैं और नेचुरली घुसाने हैं स्टफिंग नहीं करनी की हर जगह बस यही नजर आ रहा हो बेबी टावल बेबी टावल बेबी टावल ठीक है प्रीकॉशन बता दी और एंड में आप पैकेज इंक्लूड में बता दो कस्टमर को क्या मिलेगा ठीक है तो लेफ्ट से मैं कहता हूँ पैकेज इंक्लूड नीचे आते हैं जी एक क्या मिलेगा कस्टमर को बेबी टॉवल तो एक और कीवर्ड यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बेबी टॉवल फॉर बॉय एंड गर्ल कह दो जो भी आपने की आपने रिसर्च की होगी ठीक है तो एक और की वर्ड यहाँ पे कुछ आ दिया बुलेट पॉइंट में एड किया एक और हेडिंग नीचे आ जाएगी इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, प्लीज क्लिक बाय ना टू ऑर्डर योर जोगो एक और कीवर्ड यहाँ पे यूज हो जाएगा जोगो ट्रॉव फॉर टोरल टू को बड़ा कर दो खूबसूरत भी लगे अपीलिंग भी लगे और कीवर्ड्स भी यूज हो जाएं क्लिक बाय नाउ को भी बड़ा कर दो तो ये लें ये मेरी डिस्क्रिप्शन तो पे आ रहा है इसको कॉपी करेंगे यहां पे आके पेस्ट करके चेक कर लें यूज हैं नहीं तो हो गए अब एक चीज यहाँ पे आपको आप नजर आ रही है सरस्टम अब इस, इसका बता दूं कि डिस्क्रिप्शन जो है थी ना जो हमने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं जो बोल्ड किया है जो डिस्क्रिप्शन ऐड किया है इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप जब इसको करते हो ना Amazon पे तो Amazon इसको एक्सेप्ट नहीं करता Amazon उसको ऐसे दिखा देता है ऐसे दिखा देता है बच्चे किधर गई थी इसकी हमने ओपन की हुई थी एक मिठाई का ऐसे पैराग्राफ बना हुआ होता है Amazon कहता है अगर आपने ब्रेक करना है लाइन को अगर आपने ऐड करना है बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड बोल्ड करना है तो यू मस्ट यूज होते हैं आप वो करते अपनी की कर सकते हो. अब एच टी एम एल टैग्स तो हमें आते ही नहीं है हम क्या करेंगे तो देर मल्टीपल वेबसाइट इन द मार्केट जो आपको हेल्प आउट करती हैं एच टी एम एल डिस्क्रिप्शन लिखने में बायजो ने बड़े से पहले कहा एक्सेप्ट नहीं करूंगा लेकिन वो कर रहा है।

नीचे शो हो रहा है कि यहाँ पे इंटर कर दो डिस्क्रिप्शन जो आपने ऑलरेडी एम एस वर्ल्ड पे फॉर्मेटिंग की हुई है तो मैं क्या करूंगा मैं कॉपी करूंगा जो मैंने फॉर्मेटिंग की है एज इट इज जैसे मैं चाहता हूँ पे यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा राइट right साइड पे आप देखो इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एच टी एम एल डिस्क्रिप्शन में ठीक है ऑटोमेटिकली मैं इसको कॉपी करूंगा एच टी एम एल को और यहाँ पे आगे अपने पास इसको रख लूंगा ये ले। अब मैं अमेजोन पे ये वाली डिस्क्रिप्शन जो कैच थी है, इसको ऐड बाकी जो है इसको सिर्फ मैंने अपनी राइटिंग के लिए अपने के लिए अब का एक बंदा की वर्ड अमेजोन पे सर्च करता है अमेजोन टाइटल देखता है आपका सबसे पहले कि टाइटल में क्या की वर्डर्ड यूज है उसके बाद बैकहेंड्स भी देखता है उसके बाद बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन देखता है तो बैक एंड सर्च टर्म्स आर बेसिकली हिडन की जो आप अमेजोन को देते हो कि यार कोई बंदा ये अमेजोन के और सैलर के दरमियान में बायर को नहीं पता कहाँ पे यूज हो रहे हैं कहाँ पे शो हो रहे हैं आप अमेजोन में कहते हो यार कुछ की वर्ड हैं ऐसे जो मुझे लगता है कि जब कोई बंदा ये सर्च करे तो भी मेरा ऐड आपने शो करना है लेकिन मैं इन की वर्ड्स को अपने कॉन्टेंट में यूज नहीं कर सकता अमेजोन कहते हो क्यों नहीं यूज कर सकते वैसे ही मैं कम्युनिकेशन बताऊँ जनरल सी आप कहते हो यार वो स्पेलिंग मिस स्पेलिंग है ठीक है वो कुछ कीवर्ड्स होते हैं लोग जल्दी जल्दी में टाइप करते हैं ना मिस स्पेल हो जाता है और उसका सर्च वॉल्यूम भी मे भी अच्छा हो कि मिस स्पेल ज़्यादातर लोग करते हैं ऐसा तो आप उसको अगर फ्रंट एंड पे यूज करोगे तो बैड कस्टमर एक्सपीरियंस है कस्टमर बोलेगा स्पेलिंग बोले बो या फिर ऐसे कीवर्ड वर्ड जो स्पेनिश है स्पेनिश के सर्च वॉल्यूम अच्छे होते हैं जो मैंने अभी आपको कीवर्ड वर्ड रिजल्ट सर्च की थी तो वहां पर दो कीवर्ड्स भी आए थे छह हजार सर्च वॉल्यूम वाले तो वो मैं अपने फ्रंट एंड पे तो यूज नहीं कर सकता बिकॉज मेजॉरिटी तो अमेरिकन में इंग्लिश है स्पेनिश तो कम ही है तो वो फिर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसने ठीक है दो चीजें थर्ड थिंग मैं चाहता हूं कि बंदा बेबी एक्सेसरीज लिखे बंदा बेबी इक्विपमेंट्स लिखे बंदा बेबी बॉथिंग एक्सेसरीज लिखे तो भी मेरा एड शो हो तो, तो भी मेरी लिस्टिंग शो हो लेकिन मैं उन की को अपने फ्रंट पेज पे नहीं शो कंटेंट में नहीं लिख सकता बिकॉज बाकी की जगह खाली जाती है या फिर ये भी कह सकते हो कि वो मेक सेंस नहीं करते ठीक है एमेजोन आपको सर्च टर्म की सूरत में एक ऐसा पोर्शन देता है कि यू कैन यूज दो सिर्फ ऐड कर दो जो आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट का जो मेन की वर्ड है उसके साथ कस्टमर टाइप कर सकता है तो मैं आपको भी सर्च रिजल्ट में कंसिडर कर लूंगा कौन से होते हैं वो मैं सर्च टर्म में लेट से आता हूं मैं बेबी एक्सेसरीज में लिखता हूँ बेबी एक्सेसरीज और जी बाथिंग लेट से ठीक है लेट से टोडलर लेट से गिफ्ट लेट से बेबी शॉवर ठीक है लेट से आ, न, और भी हम कह अब हमने आइडिया लेना है तो यहाँ पे जाके हम सिंपल के सर्च बॉक्स में जाके बेबी टॉवर्स लिख के डैश देते हैं तो आगे आपको बता रहा है कि वॉश क्लॉथ न्यू बर्न

Infant. तो अब ये वर्ड्स में होते हैं एमेजन कहता है कि आपको पूरा पूरा पैराग्राफ जो -पूरा, पूरा पूरा फ्रेज है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है आपने बेबी एक्सेसरीज एक बार यूज कर लिया तो उसमें एक्सेसरीज वर्ड भी हो गया बेबी वर्ड भी हो गया अब अगर आपने बेबी टॉवल आगे यूज करना है ना तो बेबी ना यूज करो सिर्फ टॉवल यूज कर लो अमेजन बेबी वर्ड यहां से उठाएगा और टॉवल वर्ड यहां से उठाएगा और आपको सर्च रिजल्ट में दिखा देगा आपने लिखना है टोटल एक्सेसरीज तो आपने टोटल एक्सेसरीज पहले यूज किया यहां से 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 उठाएगा यहां से स्टार्ट से उठाएगा स्टार्ट और आपको में दिखा देगा तो आर बेसिकली होती हैं आपके और amazon के दरम्यान में होती हैं तो वो वर्ड जो आपको लगता है कि इनपे भी आपका रिजल्ट फ्रंट एंड पे शो होना चाहिए एग्जाम्पल देता हूँ आइसक्रीम स्कूप की आपका आइसक्रीम स्कूप स्टेनलेस स्टील मटेरियल का बना हुआ है आपको लगता है यार जब बंदा मेटल आइसक्रीम स्कूप भी सर्च कर रहा है उसको भी मेरा ऐड शो करना है मेरा प्रोडक्ट शो करना है मुझे यकीन है कि उसको मेरा प्रोडक्ट पसंद आएगा लेकिन वो तब शो होगा जब आप मेटल आइसक्रीम स्कूप अपने फ्रंट एंड पे यूज करोगे टाइटल में बुलेट्स में या डिस्क्रिप्शन में तो आप यूज करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कस्टमर समझेगा मेटल का ही है वो ऑर्डर कर देगा और आपको फिर नेगेटिव रिव्यू मिलेगा रिटर्न भी मिलेगा बिकॉज आपका तो स्टेनलेस स्टील था

आप मार्केटिंग करते हो बंदे को अपने पेज पे लेके आते हो बंदा आपके पेज पे आता है टाइटल भी नहीं समझ आ रहा बुलेट पॉइंट्स भी नहीं समझ आ रहे डिस्क्रिप्शन भी नहीं समझ आ रही इमेजेस भी बकवास हैं रिव्यूज भी नहीं है प्राइस भी मार्केट प्राइस से ज्यादा है वो छोड़ के चला जाएगा मार्केटिंग के पैसे लगाई जाओ लगाई जाओ लगाई जाओ एंड हो जाएगा वॉलेट खत्म तो पहले लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन रिटेल रेडी का मतलब है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन टाइटल अच्छा बुलेट्स अच्छे डिस्क्रिप्शन अच्छी इमेजेस इंफोग्राफिक लाइफ स्टाइल एच डी प्राइस कंपेटिटिव जो मार्केट में चल रही है उतनी और से कम और कम से कम ट्वेंटी पॉजिटिव रिव्यूज स्टार्ट में जब आप ये करोगे तो आप जब पीपीसी की मार्केटिंग करोगे तो आप देखोगे आपको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे लेकिन आप वो नहीं करोगे तो बेशक पीपीसी यहाँ चलाते जाओ कोई नहीं सेल मिलनी क्योंकि वेकूफी खरीदेगा आपसे सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ टू क्लास टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए एनालिसिस कैसे करना है और फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है ठीक है अब ये जो आपने चीजें की हैं अगर आप लिस्टिंग क्रिएट कर, तो कर रहे हो तो टाइम टाइटल की फील्ड में टाइटल बुलेट्स की फील्ड में बुलेट्स डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन की की फील्ड फील्ड में में बैक बैक एंड एंड अगर ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो तो कंटेंट उठा के ये क्रिएट किया हुआ है पीडीएफ में इसको सेव करो यहां से मैं फाइल पे जा रहा हूँ सेव एज पे जा रहा है और इसको पीडीएफ फाइल में मैं सेव कर सकता हूँ ठीक है पीडीएफ में करोगे वो बन जाती है आपके प्रोफाइल इसको तो आप एक बार वर्ड में भी सेव रखो ताकि उसमें चेंजिंग वगैरह करनी पड़ जाए तो आप उसी को एडिट कर लो तो ये आपके पास सेव हो गया आगी आप सिंपल सेंड करो क्लाइंट को कि बोलो ये रिप्लेस कर दे टाइटल की फील्ड में टाइटल बुलेट्स की फील्ड में बुलेट्स डिस्क्रिप्शन की फील्ड में डिस्क्रिप्शन बैक एंड की फील्ड में बैक एंड और सेव कर दे आपका कंटेंट 15 से 20 मिनट में चेंज हो जाएगा और जो नो न्यू की आपने यूज किए हैं उन पे आपकी फिर इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग बनना शुरू होगी

इन डिमांड टॉपिक है जो मैं जिस पे लेके आगे प्रैक्टिकल वेबिनार करूं तो आप लोग प्लीज मुझे बताया करें ग्रुप्स पोस्ट किया करें या दिया करें मैं मांगूंगा बाद आपसे देन आई विल डू अ डिटेल्ड सेशन ऑन ऑल योर अच्छा क्या आंसर है जी आपका रिकॉर्डिंग तो अब पता नहीं अब ये अगर पड़ी होती है फेसबुक पेज पे तो वहीं पे शो होगी आई थिंक उसी पे शो होगी पीपीसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीपीसी भी कर दू नेक्स्ट पीपीसी रख लेंगे

कोई भी लिस्टिंग उठा लो ठीक है टाइप, ए, पे जा के, पे सर्च करो अमेजोन पे जाके आइसक्रीम देखो यार इस की ऑप्टिमाइजेशन है? है? तो करो, करो अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर भी आ, अगर बन जाती है ऑप्टिमाइजेशन तो उस बंदे को गूगल पे ढूंढो ब्रांड को उसको सेंड करो कि यार तुम्हारी सेल से नहीं आ रही ये मैंने किया इसको ट्राई करो मैं भी वो इंप्रेस होकर आपको हायर भी कर ले